मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी हो चुकी है सुबह और मैं अभी उठा हूँ। नानी और मैं बाहर बैठे हैं। देखो गाइस, ये रही नानी। और गाइस, नानी ने टमाटर बाहर फेंक दिए, पता नहीं किस रीजन। टमाटर खट्टे नहीं है भाई। देखो गाइस, वो टमाटर लाल लाल। गाइस, ये बंदा मेरे को गड़बड़े लग रहा है। गाड़ी वाला घूर रहा था मेरे को। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। गाइस देखो, वो नए ग्रीन कलर की चिड़िया है, आपको दिख रही होगी, पोल पे बैठी हुई है। नानी ने दिखाई अभी अभी मुझे। गाइस देखो, आपको दिख रही होगी। गाइस उड़ गई। सो गाइस, अभी हम बाहर घूमने आ रखे हैं और नानी देखो, नानी यहाँ पे है। नानी नानी गाइस, नानी मुझे चिड़िया दिखाने लगी। उसका मैं क्या करूँ। बैंगन तो सबके घर पे। बैंगन गाइस देखो, बैंगन मेरे को नहीं दिख रहा। गाइस मैं दिखाता हूँ आपको। गाइस देखो, हो रहा तो मछली पर। गाइस आपको दिख नहीं रहा होगा पर हमें दिख रहा है। गाइस हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, अभी हम आ रखे हैं मेरी बुआ के घर। मैं आपको गाइस दिया मेरी बुआ का घर भी एक। ये पता नहीं क्या चीज है गाइस, ये घूम रही है। ये रही, ये है मेरी बुआ जी का मंदिर। इसके अंदर पूरा का पूरा मंदिर है। गाइस देखो, गाइस ये गुन्नू दीदी। हेलो, और ये है बिल्ली। गाइस ये मेरी बुआ जी के घर की एंट्री है। हां ऐसे बोल ले अगर। और गाइस ये है बुआ जी। ये बुआ जी का किचन दिखा कर दे भाई। गाइस ये बुआ जी का पूरा किचन है। हां ये बुआ जी, और ये बुआ जी बैठी हुई है। लड्डू गोपाल जी भी बैठे जा। लड्डू गोपाल जी दिखा दे। ये दीदी का रूम है। गाइस ये दीदी का रूम है। और गाइस इधर एक और मंदिर है, इसके अंदर लड्डू गोपाल जी है। और गाइस ये गुन्नू दीदी। गाइस जो सब्सक्राइबर्स चैनल, ओके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बोलो आज जो आप मुझे वो बोलो। आज आप कहाँ आए हैं? हम नोएडा। नोएडा बुआ जी के घर। बुआ जी के घर आज अनु फर्स्ट टाइम आया है। आज अनु बुआ के घर सेकंड टाइम आया। अच्छा, कौन सी कार है ये तो बता दो। टाटा एक्स है ये। टाटा एक्स है। अच्छा, तो गाइस ये मॉडिफिकेशन पूरी की पूरी रोल्स रॉयस कार में होती है जो इन्होंने लगवा रखी है। और गाइस यहाँ पे इंटीरियर में ये लाइट है। ये इंडिया की फर्स्ट टाटा एक्सा कार है जो मॉडिफाई है। हाँ, इंडिया की फर्स्ट टाटा एक्सा कार है। और जो लाइटिंग देख सकते हो ये रोल्स रॉयल्स की है। ठीक है गाइस, आप वो वाली लाइट भी जो डोर पे लगी हुई है वो भी दिखा सकते हो, ब्लू करके जो चल रही है उधर। ये वाली देखो, वो वाली ब्लू वाली। ये आप हाँ गाइस वो वाली, ये आप लोग चेंज भी कर सकते हो। ठीक है कैसे? गाइस देखो इसमें ये भी है, ये पता नहीं क्या चीज है। यहाँ पे चश्मा वगैरह रखते हैं। और गाइस सामने ये मॉल है जो ये मेरे जो ये अंकल बना रहे हैं, यानी कि पापा के फ्रेंड्स। यहाँ पे गेमिंग जोन वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे आप आ सकते हो, ये नोएडा में है। गाइस अभी के लिए बस इतना ही। सो गाइस अभी हम आपसे मिलते हैं मॉल में। बाय। श्रीमान आ गया गेमिंग जोन में।
इधर बोलो। हाँ हनु हाँ पागल इससे अच्छा था वो पीछे वाला था। लो भाई गाइस अब श्रीमान कार ड्राइव करेगा। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी हम आए हैं पापा के फ्रेंड्स के पास। तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग आए हैं नोएडा, मेरे ब्रदर इन लॉ के फ्रेंड्स हैं यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन है। और उसके बाद ये सर ब्रीफ करेंगे आप लोगों को। हाय गाइस, मेरा नाम अमित शर्मा है, क्योंकि आपने सुना होगा नोएडा एक्सटेंशन नियर गौर चौक। गौर चौक से करीब 8 मिनट की दूरी पे नोएडा एक्सटेंशन नियर सेक्टर 12 अपोजिट नॉलेज पार्क 5 के ठीक अपोजिट हम कुछ प्लॉटिंग्स लेके आए हैं, जिसका इसकी जो लोकेशन है ये आपकी नोएडा फिर नॉलेज पार्क 5 के जो सामने हम प्लॉटिंग कर रहे हैं। ये मेट्रो स्टेशन आ रहा है यहाँ पर नॉलेज पार्क 5 का, जो कि यहाँ से 350 मीटर दूरी पे है। वॉकिंग डिस्टेंस हमारे प्लॉट से 350 मीटर दूरी पे नॉलेज पार्क 5 का मेट्रो स्टेशन प्रपोज है, जो कि 2024 मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। इसके आसपास अगर देखा जाए तो सराउंडिंग में सारी हाई राइज सोसाइटी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने जो हाई राइज सोसाइटी है, और इससे ही थोड़ा सा पहले अथॉरिटी के 6% वाले प्लॉट है, जिसका प्राइस आज की डेट में 1 लाख प्लस है। इसके बाद लेफ्ट में आप देखेंगे जो रोड चल रहा है, ये 130 मीटर रोड है, जो कि नोएडा सिटी सेंटर से आ रहा है, कालिंदी कुंज से होते हुए सीधा परी चौक जा रहा है, परी चौक होते हुए सीधा जेवर एयरपोर्ट, यानी कि यहाँ से 50 मिनट के डिस्टेंस पे आप जेवर एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। जैसे कि लेफ्ट में आप सामने देखेंगे एक गूगल डाटा सेंटर है, ये गूगल डाटा सेंटर है और नॉलेज पार्क का आईटी का बहुत बड़ा हब है, और आईटी प्लॉट और जो कि आसपास में सारी प्राइम लोकेशन पे ही सारी प्लॉटिंग है, जिसमें कि हमने 22 फीट का मेन रोड दिया हुआ है और 22 फीट के मेन रोड के बाद 18 फीट के दिए हुए हैं। हमारी जो साइट है ये लगभग 50 बीघे में आती है, हम इसको पैच के हिसाब से बढ़ाएंगे। अभी हमने स्टार्ट किया है 10-1 बीघे से, इसके बाद हम 10-10 बीघे करके इसको आगे लेके जाएंगे। और इंटरनल हमने जो जितने भी सड़क दी है वो 18 फीट की दी हुई है, 18 फीट के बाद प्लॉट का जो हमारा साइज़ होगा वो 100 गज का प्लॉट। Oh,
एक इसका फ्रंट होगा, इसमें अगर कोई डिमांड करता है विला बना के देने का तो विला भी हम बना के दे रहे हैं, और इंडिपेंडेंट हाउस चाहिए वो भी दे रहे हैं, और खाली प्लॉट्स भी दे रहे हैं। ये हमारी एक्सटेंड करने वाली ज़मीनें हैं सारी, जो हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे, हम बढ़ाते बढ़ाते करीब 50 बीघे से ऊपर ही हमारे पास लैंड है यहाँ पे बढ़ाने के लिए। आप एक बार साइड पे कैमरे को मूव करेंगे सारी पे तो आप देखेंगे कि लोकेशंस क्या है इसके नियरेस्ट रोड के पास। और श्रीमन को आप कुछ भी अगर क्वेरी करते हैं तो श्रीमन के इस चैनल पर आप क्वेरी कर सकते हैं, श्रीमन खुद ही इस चीज़ का जवाब देंगे। श्रीमन हमारे साथ ही हैं अभी। आपको बता दिया जाए कि 70% तक लोन भी अवेलेबल है, 70% लोन है NBFC बैंक से और PPC का लोन है। इनकम प्रूफ सैलरी या फिर आपका सेल्फ एम्प्लॉयड होगा जो उनका लोन भी हो जाएगा। ITR वगैरह चाहिए उसमें दो या श्रीमन के थ्रू हमसे मिलेंगे, उनको अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा, बेस्ट डिस्काउंट दिया जाएगा। सो गाइज, जैसा कि सर ने अभी आपको ब्रीफ किया है, आप लोगों के समझ तो आ ही गया होगा। गाइज प्राइम है, बहुत अच्छी है, यहाँ से 130 मीटर का ये सामने वाला रोड है, बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन है। और इधर श्रीमन आपको कुछ दिखाना चाहूँ, श्रीमन जैसे गाइस यहाँ पर फ्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको सामने जो लोकेशन दिख रही है जितने भी खाली पेड़ पड़े हुए हैं उनको भी अभी ऑक्यूपाई करेंगे। यहाँ आप लोग अपनी मर्जी से प्लॉट लेके अपनी मर्जी से मकान बना सकते हो, आप लोगों को विला वगैरह बनवाना है आपके लिए भी बोल सकते हो, वो भी बन जाएगा। ये आपको दिखाई दिया सामने, और यहाँ पे श्रीमन मस्ती करता हुआ, आज हम ग्रेटर नोएडा है जो मेरे पापा के फ्रेंड है। तो गाइज हम लोग अभी फिलहाल ग्रेटर नोएडा में हैं, सर के पास आए हुए हैं, बोले गाइज गैलेक्सी ब्लू सफायल। तो यहाँ पे सर बोल रहे हैं उसकी ओपनिंग बहुत जल्दी होने वाली है, ओपनिंग पे भी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। और एड्रेस मैं आपको अभी थोड़ी देर में ब्रीफ कर देता हूँ, टोटल पूरा पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। Remember you left my spirit with you high is all I'm feeling. Remember how we felt alive. I remember you, you make me stronger. Can't go without it much longer. अभी तो इसकी प्रिपरेशन चल रही है गाइस, जैसे ही क्लब रेडी होगा ओपनिंग होगी नेक्स्ट मंथ में तो तब हम आपको दिखाएंगे। और श्रीमन
श्रीमन ब्लॉग के रेफरेंस से जो भी यहाँ आएगा ओपनिंग होने के बाद में उसको काफी अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जाएगा। मैं नहीं मानता यार, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लब प्रिपेयर होने के बाद में आप लोग विजिट जरूर करें, आप लोग यहाँ काफी फन कर सकते हैं।